ठीक है। हाँ लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया था बेटे हमने? मेरे ख्याल से हम लिमिट्स पढ़ रहे थे, और लिमिट्स में हमने कौन कौन सी फॉर्म्स पढ़ ली थी? ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक, मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज देख ली थी हमने ट्रिग्नोमेट्री वाली, है ना? ओके यस सर। एक मिनट रुकना। हाँ मेरे ख्याल से हमने लास्ट आइडेंटिटी ये देखी थी, या लास्ट रिजल्ट ये देखा था। एक मिनट, ये रब क्यों नहीं हो रहा डाउन बेटा? माइक म्यूट कर लो ये जिसका भी है। ये आइडेंटिटी देख ली थी ना हमने कि 1 माइनस कॉस x अपॉन x² और लिमिट सर। x जीरो। इसका आंसर कितना आता है, किसका रिजल्ट कितना आएगा? 1/2 आएगा, 1/2 आया ना? और मैंने क्या बोला था इसको आपको किस तरीके से याद रखना है बेटे? साइन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस बॉक्स अपॉन बॉक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, यही था ना, है ना? और आपको पता है ना कि ऊपर जो बॉक्स है उसी बॉक्स का नीचे स्क्वायर होना चाहिए, आया ना बेटे? यस। चलो फिर एक क्वेश्चन करें, इसको ट्राई करना बेटे। हाँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन इसका आंसर कितना आएगा? जीरो अरे श्योर बेटे इसका आंसर जीरो आएगा? यस। बाकियों का आंसर क्या आया बेटे? अंशिका, दिव्या, हर्षिता, खुशी, ममता, किसी का आंसर आया बेटे? क्या भी कर रहे हो? सर, वो आंसर रॉन्ग है। सर वो आंसर रॉन्ग है। क्या आ रहा है फिर आंसर? टेन दूसरा आ रहा है। एक्स 1/2 1/2, अभी तो कह रहे थे रॉन्ग है। अच्छा 1/2 किसी और का आ रहा है ना? मेरा ही आ रहा था, आप लगाया। टेन एक्स इंटू 1/2 ओके 1/2 ठीक है। चलो चेक करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। ठीक है तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स इट्स टेंड्स टू जीरो भाई टेन एक्स माइनस साइन एक्स है, तो टेन एक्स माइनस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? या तो ये कर सकते हैं, टेन एक्स को हम ये लिख दें साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, आया ना? यस लिख सर। सकते हैं बेटे यस सर। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स। या फिर एक ये भी कर सकते हैं अपन कि टेन एक्स को अगर मैं कॉमन निकाल दूं, ठीक है ये वाला कर लो, ये ज्यादा बेटर है। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को चेंज करने से अच्छा आप एक काम करो, आप टेन एक्स को कॉमन निकाल दो। अब टेन एक्स को कॉमन निकालने का मतलब आपको पता है ना क्या है, कि भाई टेन एक्स से मैंने क्या कर दिया, न्यूमिनेटर में डिवाइड कर दिया। अगर डिवाइड कर दिया ठीक है, मतलब एक बार मल्टीप्लाई किया और एक बार डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई वाला तो अंदर लिखा वाला अंदर, अगर हम अंदर ले जाएंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं ये कर रहा हूँ उस पर, भाई टेन एक्स से एक बार मैंने मल्टीप्लाई किया ठीक है, और एक बार टेन एक्स से डिवाइड किया, तो जब डिवाइड करेंगे तो कुछ इसी तरीके से आना चाहिए, आया ना? यस यही आना चाहिए ठीक है, तो ये आ गया। नाउ लिमिट एक्स इज टेंस टू जीरो भाई इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब डॉट टेन एक्स अपॉन टेन एक्स, तो 1 हो गया, माइनस साइन एक्स अपॉन टेन एक्स कितना होगा बेटे? कॉस एक्स। कॉस एक्स होगा, हाँ है ना? यस सर। कॉस एक्स आ गया आपके पास ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सजा के लिख लेते हैं, सजा के अंदर सेंस की थोड़ा सा अपन इस तरीके से लिखते हैं ताकि अपने जो रिजल्ट है वो बन जाए। भाई टेन एक्स के
x रख दिया. अब एक बात बताओ, नीचे x क्यूब है, x क्यूब में से मैंने एक x निकाल दिया, एक x मैंने 10 के नीचे रख दिया, तो बाकी का कितना बचा, x स्क्वायर बचा, हाँ है ना? Yes, sir. x स्क्वायर बचा, तो x स्क्वायर को एक काम करो, cos के नीचे लिख लो, 1 माइनस cos x के नीचे, तो 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर. तो अब एक बात बताओ मुझे बेटे, कि इसका वैल्यू कितना होता है? 1/1. 1. और इसका वैल्यू कितना होता है? 1/2. 1 into 1/2 कितना हो गया? 1/2 आंसर आ गया. आई बस समझ से यहाँ पे cos x कहाँ से आया? कहाँ पे बेटे, यहाँ पे cos x कहाँ से आया? यही कह रही हो? हाँ. देखो cos x यहाँ से आया भाई, ये sin x upon tan x, sin x upon tan x, tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x upon cos x. Yes, sir. इसको अगर अपन रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये cos x ऊपर चला जाएगा, तो sin x into cos x upon sin x. sin x cancel out, क्या बच गया, cos x ही बचा ना. Yes, sir. आया ना, तो इसीलिए cos x आ गया यहाँ पे. आई वेरी मच. यस, क्लियर बेटा सबको? नोट कर लिया बेटे? जल्दी बताओ, नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं बेटा. हो गया? Yes, sir. हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज जो हमारी बाकी दो फॉर्म्स हैं. नेक्स्ट फॉर्म एक तो ये है, 0 की पावर 0 और इनफाइनाइट की पावर 0. यही ना बेटे? Yes, sir. ठीक है, 0 की पावर 0 और इनफाइनाइट की पावर 0. जैसे मान लो इन दोनों फॉर्म्स पे क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए अब वैसे तो कम है कि इन पे अगर कोई क्वेश्चन आए, इसके चांसेस लिटरली कम है. कम क्यों है, क्योंकि आसान भी है करना, ठीक है, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी क्या पता क्वेश्चन आ जाए, तो इस चीज को सोच के तो हम छोड़ नहीं सकते ना. तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इस फॉर्म का क्वेश्चन आ रहा है, फॉर्म्स ये वाली बन रही है, 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0, तो उसके लिए आपको बस इतना सा करना है, दोनों तरफ इसको ऐसे लिख लो, टेक लॉग बोथ द साइड, दोनों तरफ आपको बस लॉग लेंगे, अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा. ठीक है, अब कैसे होगा ये सॉल्व वो अभी मैं बता रहा हूँ, पहले इसको लिख लो, फिर मैं एक करके बताता हूँ आपको, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटे. सर हो गया? हो गया. लॉग लिख लो या ln लिख लो, कोई भी ले लो, एक ही बात है. ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, एग्जाम्पल के लिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, लॉग लिख लो या एलएन लिख लो, दोनों में से कोई भी, लिमिट एक्स इज टेंड्स टू 0 एक्स रेज टू द पावर एक्स. ठीक है बेटे, क्या है, एक्स की पावर एक्स. अब एक बात बताओ इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो आप मुझे फॉर्म चेक करके बताओ कि वो भाई फॉर्म क्या आ रही है, x की पावर x है, ठीक है, तो x की पावर x है, अगर इसमें मैं x की जगह 0 रखूंगा तो क्या आ रही है, 0 की पावर 0 फॉर्म बन रहा है पहले, हाँ या ना? यस और नो? बता बेटे. चलो यहाँ सबको क्लियर हो गया. अभी के लिए मैंने मान लिया कि इसका जो वैल्यू है वो y के बराबर आएगा, अभी के लिए मान लिया भाई. इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके कुछ ना कुछ एक आंसर निकालते हैं, हाँ या ना? वो मैंने अभी के लिए मान लिया कि वो जो आंसर है वो y के बराबर आ रहा है. यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, अभी के लिए हमने मान लिया कि वो y के बराबर आ रहा है, ये आ गया x की पावर x. ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इसको सॉल्व करने का मेथड केवल और केवल एक ही है, दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग ले लो या ln. तो अगर अभी हम लॉग लेते हैं दोनों तरफ, तो लॉग लेंगे तो क्या आएगा, मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो ये हो गया लॉग वाई
बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग लॉग है ना, इस लिमिट के अंदर अपन लेके जा सकते हैं एक्स रेस टू दी पावर एक्स। यहां तक समझ में आया बेटे? यस सर। क्लियर? तो अब लॉग वाई इक्वल टू कितना हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स आगे आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, आया ना? यस सर। तो एक्स ये आ गया लॉग एक्स। यहां तक समझ में आ गया बेटे? यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको, सबसे सुनना चाहता हूँ मैं, सबको क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। यस। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, हमने क्या किया, एक्स को आगे ले आए हम, ठीक है? अब एक्स को आगे लेके आने के बाद अब बस एक काम करो, आप यहाँ पे एक्स की जगह जीरो रख के देखो और मुझे बताओ कि कौन सा फॉर्म बन रहा है। यस बोलो बेटे, एक्स की जगह अगर हम जीरो रखेंगे तो क्या फॉर्म बनेगा? जीरो इंटू इनफाइनाइट। जीरो इंटू इनफाइनाइट, वेरी गुड। कैसे पता लगा भाई? एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो यहाँ तो जीरो आ गया, और यहाँ पे लॉग में एक्स की जगह हम जीरो रखेंगे तो लॉग जीरो कितना होता है बेटे? भाई लॉग का ग्राफ अगर मैं आपको बताऊं तो यही होता है, हाँ है ना? मैंने बताया था स्टार्ट, जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे, फलन पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे भाई मैंने क्या बताया था कि अगर x जो है वो जीरो को जाएगा, कहाँ पे? जीरो को जाएगा, तो इसका जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगा? माइनस इनफिनिट की तरफ जाएगा, आए ना? सबको याद आया बेटे? यस सर। यस बेटा, एक ही बोल रहा है, बाकी सब बोल क्यों नहीं रहे हैं? याद आया नहीं आया? याद आया? यस सर। यस, तो अब इसका मतलब ये है कि भाई अगर x जीरो को जाएगा तो log जीरो जो है वो कहाँ जाएगा? माइनस इनफाइनाइट को। तो अभी यहाँ से, अभी फिलहाल अपने को माइनस से मतलब नहीं है, अपने को बस ये दिख रहा है कि यहाँ से जो फॉर्म बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, वो जीरो इंटू इनफाइनाइट वाला फॉर्म बन रहा है, बस इतनी सी बात। क्या बन रहा है? जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म। तो अगर जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका, बताया था ना बेटे? यस सर। क्या था? तो 0.0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे। तो लॉग y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब बस मुझे इतना सा बता दो कि ये जो 0 इनटू इनफाइनाइट फॉर्म है, अगर मुझे इसको 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बना तो मुझे यहां पे क्या करना चाहिए? सो x की जगह 1/t रखेंगे, x की जगह 1/t रखेंगे, उससे ये थोड़ा चेंज होगा? ऊपर नीचे x से इनटू कर दे तो, ऊपर नीचे x से इनटू कर दें तो, ऊपर नीचे अगर अपन x से इनटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर log x अपॉन x। डिफरेंशिएट हम केवल तभी कर सकते हैं जब 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो। यस, इसके अलावा और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? लॉग एक्स को डिफरेंशिएट कर दें तो? नहीं बेटा, ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना हम अंदर में कि भाई किसी को भी उठा के डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएशन हम यहां पे तभी यूज कर सकते हैं जब 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा हो, अरे समझ, ऐसे तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसको पहले हमें बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए काम करो ना, log x को ऐसे ही रहने दो, log x को अभी के लिए ऐसे ही रहने दो, x को हम ये लिख सकते हैं 1/x, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. x को 1/x लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो x ऊपर ही तो जाएगा, आया ना? Yes, sir. आया ना, बिल्कुल सही बात है। Yes, sir. Yes? ठीक है, तो भाई log y कितना हो जाएगा? अब मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, सबसे पहले तो मुझे फॉर्म बताओ। ये इनफाइनाइट और 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन चुका? यस सर। और अगर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन चुका तो आपको पता है क्या करना है, LH रूल लगा लो, खत्म करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसका डिफरेंशिएशन Yes, 1/x square. Minus 1/x square.
तो अब ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करो इसको, log y इक्वल टू, ये चलो अभी माइनस हम बाहर निकाल देते हैं, लिमिट माइनस एक्स जीरो, कितना बन जाएगा ये माइनस एक्स, लिख दूं यहाँ पे एक्स लिख दूं, ठीक है। अब एक्स आ गया, अब ये तो कोई फॉर्म है नहीं, तो एक्स के जगह जीरो रखो, तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो लॉग वाई का वैल्यू कितना आ गया, जीरो, जीरो आ गया बेटे। अब याद रखना अभी आपका आंसर नहीं आया है, हमें ये क्या निकालना था, हमें लिमिट निकालना था जिसको हमने वाई, तो अभी तो लॉग वाई आया है जीरो, वाई नहीं आया, हमें वाई निकालना है, तो वाई निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, एंटी लॉग, एंटी लॉग ले लो, या वाई निकालने के लिए आपको बस इतना सा करना है, वाई इक्वल्स टू, अगर लॉग हटाना है तो लॉग हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था लॉग को चेंज करने के लिए एक्सपोनेंशियल में, याद आ रहा है कुछ, याद दिलाना पड़ेगा यार आप लोगों को, लॉग ए टेंस टू बी, मतलब ए टू द बेस बी इक्वल टू एन था, तो मैंने क्या बताया था, अगर ए निकालना है तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर क्या लिख सकते हैं, बी की पावर एन, एन। तो अब एक चीज ध्यान रखना, और एक चीज चलो ये जो हमने लॉग लिया है ना, इसको बस इतना सा ध्यान रखना कि ये जो लॉग लिया अपन ने, वो लॉग लिया जिसका बेस ई है, ई वाला है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एलएन लिखा है, ई वाला है, तो अगर ई वाला है तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर जीरो, और ई की पावर जीरो कितना होता है, वन, तो बस वन आंसर आ गया, ठीक है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ना बेटे आपके पास, ये वाले इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे ना, इनका मोस्टली आंसर वन ही आएगा, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे आप करके देखना, मोस्टली आंसर वन ही आएगा, ठीक है, yes, sir. ठीक है, चलो समझ में आ गया बेटे सबको, yes, yes, sir. ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर दूसरा करते हैं, जल्दी नोट करो इसको, अच्छा इसकी प्रैक्टिस करी थी क्या लिमिट्स की, तो बेटे घर पे प्रैक्टिस करी थी इसके क्वेश्चंस की, यस सर, ठीक है, क्या है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स की पावर टेन एक्स, इसको बनाओ, अच्छा इसका फॉर्म बता दो सबसे पहले मुझे, किस फॉर्म का ही, जीरो की पावर इनफाइनाइट, जीरो की पावर जीरो, करो इसको बेटे, निकाला है मतलब पहले बोल रहा था ना इसके ऐसे क्वेश्चन का आंसर बनी आएगा, निकाला था ना, तो गलत है क्या, नहीं नहीं गलत तो नहीं है निधि, मैं ये पूछ रहा हूँ सॉल्व किया ना पूरा, गलत नहीं है आंसर बनी, अरे हो गया है मुझे करवाना पड़ेगा, हो गया सर, हो गया सबसे, हो गया हर्षिता खुशी ममता निधि राहुल विनय, हो गया बेटे, चलो देखते हैं, देखो भाई मैंने क्या बोला क्या करना है इसमें, सबसे पहले उसको वायलेट कर लो, मान लो कि y बराबर लिमिट x टेंस टू जीरो x की पावर टेन एक्स, ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं ln ले लेते हैं, इस बार ln लेते हैं, तो ln y बराबर
लिमिट x टेंस टू जीरो, tan आगे आ जाएगा तो tan x into ln x. याद है, क्लियर है बेटा? याद है, ठीक है. अच्छा, अब ये जो फॉर्म है ये जीरो इंटू इनफाइनाइट वाला फॉर्म है, ये तो आपको दिख रहा है. तो इसके लिए आपने क्या किया, इसके लिए क्या किया बेटे? पर नीचे x से मल्टीप्लाई, नीचे x लेके गए. क्या बोल रहे हो? सर tan को डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई, tan को डिनोमिनेटर में 1 by tan x. अच्छा, आप ये कह रहे हो कि सर एक तो x को जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है. ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे tan x अपॉन x तो 1 बन गया, फिर बच गया x into ln x, तो ये पिछला वाला इक्वेशन बन गया, वैसे ही. Yes. अच्छा ओके, और एक और जना कह रहा था ना बेटे, आप क्या कह रहे थे? सर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे tan x को, 1 upon tan x हो जाएगा. अच्छा, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे इसको तो 1 upon tan x हो जाएगा, करेक्ट. ऐसे भी कर सकते हैं, ln भाई डिनोमिनेटर में ले जाओ, या फिर इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं ln x upon cot x, है ना, ये भी तो लिख ही सकते हैं, है ना. तो इससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. तो ln x upon cot x, तो अभी ये कौन सा फॉर्म हो गया? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो गया. क्यों? क्योंकि cot 0 इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो गया तो ln रूल तो लग ही जाएगा. ln y बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, cot x का कितना होता है, cot x का कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. वेरी गुड, कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है. अब क्या कर सकते हैं, ln y इक्वल टू भाई कोसेक स्क्वायर एक्स है, कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, आया ना? यस सर. 1 अपॉन x इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. अल्टीमेटली ये बन गया ln y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया अपने पास sin x upon x into में minus sin x, ऐसे लिख सकता हूँ, देखो हाँ या ना? Yes sir. तो ये तो 1 हो गया, इसका तो काम ही खत्म, ये तो 1 हो गया. अब इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो sin 0 कितना होता है, 0 ही होता है, 0, y का वैल्यू आ गया 0. अगर ln y 0 है तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, e की पावर 0, तो y बराबर 1, ठीक है. आगे सबका 1 बेटे? यस सर. यस, सबका आ गया. खुशी, ममता, राहुल, विनय, आपका भी बनाया बेटे? यस सर. यस, बहुत अच्छे बेटे, वेरी गुड. इसको नोट कर लो. सब हो गया, हो गया, नोट कर लिया बेटे सबने? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है लास्ट वाला फॉर्म अपना, 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट, ठीक है. लास्ट फॉर्म है 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट. अब इस पे क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आते हैं, ठीक है. अब ये एक्चुअली कैसे है, कैसे काम करेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले तो इसको समझते हैं अपन कि भाई 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है. तो अभी के लिए मान लो मैंने एक ऐसा लिमिट लिया है, लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx. क्या लिया बेटे? fx की पावर gx. और यहाँ पे अभी के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि भाई जो fx है, fx वो क्या है, टेंड्स टू 1 है, और जो gx है वो टेंड्स टू इनफाइनाइट है. तभी तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा, आया ना? यस सर. किसमें? अच्छा, चलो देखते हैं. हाँ, तो यहाँ तक बात समझ में आएगी बेटा कि fx जो है वो 1 को ट्रेंड कर रहा है और gx जो है इनफाइनाइट को ट्रेंड कर रहा है, तभी जाके 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा. तो अगर ऐसा है तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए अपन हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली एक फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है, एक तरीके का कि भाई वो अगर फॉर्मूला हम लगा दें तो डायरेक्ट आंसर आ जाए, ठीक है. तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि भाई लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, ये जो fx की पावर gx है, अब इसको अलग से समझो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं. अच्छा चलो,
टू, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, टू लिखा। बेटा एक बात बताओ, टू को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एल एन टू मतलब e की पावर एल एन टू, कैमरा ऑफ हो गया, e की पावर एल एन टू का वैल्यू टू आएगा सर, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। अच्छा स्क्रीन चली गई क्या अभी, ठीक है? यस सर, यस सर, ये अपने आप ही गायब हो जाती है पड़े पड़े। चलो कोई बात नहीं, हाँ तो मैं इसकी बात कर रहा था बेटे, क्या कि मान लो मैंने एक नंबर लिखा टू, ठीक है, इस टू को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर एल एन टू, क्यों, क्योंकि e की पावर एल एन टू का जो सर, फिर से हो गई क्या, अरे यार क्या प्रॉब्लम हो रही है, अभी ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? नो सर। ठीक है बेटा, आपको ये चीज समझ में आ रही कि e की पावर एल एन टू टू के बराबर होता है? यस सर। पता है ना ऐसा, रीजन क्या है इसके पीछे का, रीजन ये है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के क्या फलन होते हैं, इनवर्स फलन। कैमरा फ्लिकर कर रहा है, कैमरा बार बार बंद हो जा रहा है। चलो ठीक है, अब की बार बंद होता है तो फिर मैं देखता हूँ ना, ये e की पावर ln2 का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है, ये क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि e raised to the power x और ln x एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, याद है बताया था मैंने, yes, sir. प्रतिलोम फलन पढ़ रहे थे इनवर्स फंक्शन, तो ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो e की पावर ln x का वैल्यू हमेशा x आता है, याद आया? Yes, sir. अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटे कि e की पावर ln x की जगह अगर मैंने ये रखा fx की पावर gx, तो इसका आंसर यही आएगा, fx की पावर gx, आया ना? Yes, sir. ठीक है, तो बस मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ, मैंने क्या किया कि ये जो fx की पावर gx है ना, इसको मैंने इस टाइप से लिख दिया e raised to the power ln fx की पावर gx, बात समझ में आ गई बेटे? Yes, sir. अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि जो gx है वो क्या हो जाएगा, अब नीचे आ जाएगा, by limit x tends to a e raised to the power gx को हम आगे ला सकते हैं, तो gx आगे आ जाएगा, ln fx बच जाएगा, आया ना? Yes sir, yes sir, आ जाएगा। अब बेटे एक बात बताओ, अपन ने एक रिजल्ट पढ़ा था इसी में ही, ln वाला, ln 1 plus x upon x, अगर ऐसा है तो आंसर कितना आता है? 1, 1, limit x tends to 0, यही था? तो अब एक बात बता, limit x tends to a है अभी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे है ln fx, तो ये तो था ln 1 plus x, यहाँ पे तो ln fx है, तो अब क्या कर सकते हैं इसके लिए हम, भाई मुझे ये यही बनाना है, तो इसको अगर मुझे ये बनाना है तो ये बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो एफ एक्स है, यहाँ पे वन प्लस एक्स है, तो क्या अभी के लिए मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, कैसे, एक मिनट, मैंने क्या किया एल एन के अंदर एफ एक्स के साथ एक बार वन प्लस किया, एक बार वन किया, यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक है, तो अब यहां तक समझ में आने के बाद अब देखो, अच्छा एक चीज और, ये जो मैं पूरा का पूरा आपको करके दिखा रहा हूँ, ये आपको हर बार हर एक क्वेश्चन में नहीं करना है, इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा अपने को डायरेक्ट वही यूज करना है, यहां तक बात समझ में आ गई, बट ये पता होना चाहिए कि आया कैसे। ठीक है, तो मैंने एक बार वन को एड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है, अच्छा एक काम करो, ये ए की जगह ना जीरो ही कर लो, ठीक है, ए की जगह अभी के लिए जीरो कर लो, क्योंकि हम जीरो की बात कर रहे हैं, ठीक है, वैसे तो ए पे ही आना चाहिए, तो एक काम करो ना, एफ एक्स है ना, चलो इसको यही रहने देते हैं, इसको आप यूं समझ लो कि भाई ये ए है, एक्स की जगह ए रखेंगे तभी ये बनेगा ना, ठीक है, तो ई रेस्ट टू दी पावर ये बन गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई रेस्ट टू दी पावर जी एक्स इन टू एल एन वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन,
अब ये जो एफ ऑफ एक्स माइनस वन लिखा है बेटे मैंने, ये कुछ x ही बन रहा है अभी के लिए, मान लो ये x है। अच्छा मैंने क्या बोला था इसको, अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखो, लिमिट x टेंस टू जीरो ln वन प्लस डब्बा अपॉन डब्बा बराबर वन, याद आया? यस सर। है ना? यस सर। यहाँ जो बॉक्स है वो यही बॉक्स है मान लो एफ एक्स माइनस वन, तो मैंने क्या बोला था ये तभी लगा सकते हैं अपन जो बॉक्स यहाँ पे वही बॉक्स नीचे होना चाहिए। यस सर। यहाँ पे तो ये नहीं है एफ एक्स माइनस वन, तो एफ एक्स माइनस वन नहीं है तो हम क्या बना सकते हैं इसको, एफ एक्स से इंटू भी कर देंगे और डिवाइड। हाँ करेक्ट, तो एफ एक्स माइनस वन से एक बार डिवाइड कर दिया, समझ में आ गया बेटा सबको? स्क्रीन अब ठीक है? यस सर। हाँ तो यहाँ तक समझ में आ गया बेटे, एफ एक्स माइनस वन से एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मुझे बात बताओ कि ये क्या बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, क्योंकि अगर एक्स की रखेंगे तो एफ ऑफ ए कितना है, माइनस वन जीरो, दिख रहा है कि भाई यही बन रहा है। yes, sir. तो इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा, one. वन। तो इस पूरे का आंसर अगर वन आ जाएगा तो अब अपने पास करने को क्या बचा, करने को ये बचा कि लिमिट एक्स जी, यहाँ पे जी की पावर जी एक्स बच गया, ई की पावर जी एक्स बच गया, और इसके साथ क्या बच गया, ये बच गया एफ एक्स माइनस वन, एफ एक्स माइनस वन। यहां तक बात समझ में आ गई बेटे? ठीक yes, yes, है। तो याद रखना अगर आपके पास क्वेश्चन आता है वन रेज टू द पावर इनफाइनाइट वाला, तो उसमें अगर ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे कोई एक फंक्शन है और यहाँ पे दूसरा फंक्शन है उसकी पावर में, तो इसको हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, ये सब है ना e की पावर में, तो लिमिट, अच्छा लिमिट को भी हम e की पावर में लेके जा सकते हैं, जैसे ये जो है ना क्या, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ e की पावर लिमिट x tends to a gx into f of x minus 1, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको बस ये करना है कि e की पावर में लिखो लिमिट x tends to a, यहां जो फंक्शन है उसको नीचे ले आओ और ये जो फंक्शन है उसमें एक माइनस लगा दो। बात समझ में आ गई बेटे आपको क्या करना है? Yes, sir. है ना कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो आपको क्या करना है, ई की पावर में लिखना है ई की पावर लिमिट जी एक्स जो है उसको आगे लाओ और ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स जो भी फंक्शन होगा उसमें वन माइनस कर देना। बात समझ में आ गई बेटे? यस सर। सबको समझ में आ गया? यस yes, बेटे सबको समझ में आ गया है ना? यस यस सर। Yes, चलो गुड। अब एक काम करो इसको आप नोट करो सर, जो ये x मतलब x की जगह a मतलब वो लिमिट रखे ना, क्या कह रहे हो फिर से बोलना सर, जो लिमिट है ना वो a की जगह कुछ भी हो सकता है। हाँ तभी मैंने a लिखा है ना, a की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्या मतलब x की जो लिमिट होगी वो यही होगी जो इसको 1 बना रही होगी और इसको इनफाइनाइट बना रही होगी, आया बात समझ? एक ऐसी वैल्यू होगा जो इस फंक्शन को जीरो बनाए, इसको वन बनाएगा, इसको इनफाइनाइट बनाएगा, तभी तो वन की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा, आई बात समझ बेटे? यस सर। ये तो जी ए कर देना, ये जी ए है, ये एफ ए है, बेटा माइक म्यूट कर लो वरना दिक्कत होगी सबको। नोट कर लिया बेटे? यस सर। सबने कर लिया? यस सबने कर लिया बेटे।
यस सर। यस चलो अब जैसे ये क्वेश्चन है अपने को इसकी लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 प्लस x की पावर cosec x। ठीक है अब आप चेक कर लो पहले तो कि भाई जो लिमिट है वो मतलब जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है। 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। हो गया बेटे क्या आंसर आ रहा है? ई आ रहा है। ओके ठीक है चलो देखते हैं। भाई मैंने क्या बताया था कि अगर ऐसा फंक्शन आ रहा है तो आपको क्या करना है ई के पावर में लिखना है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसको आगे ले आओ कॉसेक एक्स और इसमें से वन माइनस कर दो। यही किया बेटा सबने? यस सर। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉसेक एक्स डॉट एक्स। ठीक है वन से वन कैंसिल हो गया तो डॉट एक्स करके अब cosec x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 upon sin x। 1 upon sin x। तो ये sin x sin x हो जाएगा? Yes sir। और x upon sin x अपने को पता नहीं क्या होता है? 1। तो बस e आंसर आ गया सिंपल। ठीक है समझ में आ गया बेटे इस क्वेश्चन कैसे करने अपने को? Yes sir। Yes sir। चलो वेरी गुड करेक्ट हर्षिता यही आंसर। ठीक है सबको समझ में आ गया बेटे आगे बढ़े कि नोट कर रहे हो ये? यस सर। ये नोट कर रहे हो या आगे बढ़े? सर किया है। पढ़ लिया है ना मेरे ख्याल से हो गया होगा सबसे। यस सर। नेक्स्ट अब अपन वापस आ जाते हैं किस पे? कंटिन्यूटी पे। ये मैं स्लाइड कर दूँ। अच्छा स्लाइड पीछे कर दूँ ये लो। नोट कर लिया बेटे सबने? यस सर। यस आगे बढ़े चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा अपन कंटिन्यूटी पे जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है कंटिन्यूटी मतलब संतता फलन, संतता की बात करते हैं संतता। तो कंटिन्यूटी में क्या था मैंने क्या बोला था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कोई भी फलन जो है वो क्या है संतता फलन कब होगा? जब लिमिट क्या होगा x tends to a किसके बराबर होगा? f of a के बराबर होगा और ये दोनों क्या होंगे? finite। finite याद आया कि भूल गए? याद आ गया ना। ठीक है अब इस पे अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है क्योंकि बेसिक अपन ने इसको पढ़ लिया था। देखो अब आपसे क्वेश्चन अब हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन इज fx हमें दे रखा है क्या 1 प्लस 3x की पावर 1 अपॉन x। ये कब है? जब x 0 के बराबर नहीं है। e की पावर 3 जब x जो है 0 के बराबर है। ठीक है तो अपने को बतानी है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी of fx at x equal to 0। ठीक है तो अब 0 पे अपने को चेक करके बताना है कि भाई ये कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है तो इसको चलो मैं एक बता देता हूं अब थोड़ा सा भूल गए होंगे अगर। भाई मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है कंटिन्यूटी अगर चेक करना है तो हम ऐसे करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि हमें बेसिकली क्या करना है लिमिट ही निकालना है। ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट निकालने के लिए भाई क्या करेंगे लिमिट किसका निकालेंगे? उसने बोल रखा है जीरो पे। तो जीरो पे तो वैल्यू ये है ई की पावर 3 मतलब हमें ये दे रखा है कि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू ई की पावर 3 है। जीरो से पहले जीरो के बाद क्या है वो ये है। ठीक है भाई एक बात बताओ मुझे उसने बोल रखा है कि ये एक फंक्शन है
ये एक फलन है अपने पास, ठीक है बेटे। जीरो पे जब जीरो है, ये एक फलन है, फलन में जीरो पे वैल्यू जो है वो जीरो ही आ रहा है, ठीक है, वैल्यू जीरो ही आ रहा है। पर जीरो के बाद जैसे मैं जीरो से थोड़ा आगे गया या मैं जीरो से थोड़ा सा पीछे गया, तो मेरे पास ये फलन है, कौन सा, वन प्लस थ्री की, थ्री एक्स की पावर वन बाय एक्स। तो जीरो के बाद और जीरो से पहले क्या है, जीरो के बाद और जीरो से, मतलब जीरो के पहले और जीरो के बाद वैल्यू क्या आ रही है, वो हमें कैसे पता लगेगा, इससे। क्यों? क्योंकि जब एक्स जीरो नहीं है तब ये फलन है, तो अल्टीमेटली अपने को इसी का वैल्यू निकालना है। अगर इसका वैल्यू, मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू इसके बराबर आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर नहीं आया तो नहीं है। बात समझ में आ गई बेटे? है ना भाई, जीरो पे तो अपने को पता ही है कि जीरो पे ये आ रहा है वैल्यू, उसने खुद ही दे रखा है, तो अपने को इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए भाई क्या करना है, लिमिट एक्स टेंस टू किस पे चेक करना है, जीरो। कौन से पॉइंट पे चेक करना है, जीरो पे, तो यहाँ रखो जीरो। और फलन क्या है, फंक्शन क्या है, वन प्लस थ्री एक्स की पावर वन बाय एक्स। तो अल्टीमेटली तो लिमिट का ही क्वेश्चन हो गया ना, कि हमें लिमिट निकालना है। यस सर, है ना। तो बस अब इसका लिमिट बताओ मुझे, पढ़ चुके अभी तक, वन की पावर इनफाइनाइट है, तो इसका वैल्यू बताओ मुझे क्या आएगा, निकाल के बताओ जल्दी से। कंटिन्यूस है इसका, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, लिमिट निकाला आपने, लिमिट कितना आ रहा है, पावर में ये वन बाय एक्स आगे आ जाएगा, अंदर क्या बचा, वन प्लस एक्स माइनस एक्स, सॉरी माइनस वन, यही करेंगे ना, थ्री एक्स है वो, हाँ सॉरी थ्री एक्स, ठीक है, वन से वन कैंसिल आउट, एक्स एक्स कैंसिल आउट, कितना बच गया, ये तो e की पावर थ्री बच गया। तो भाई लिमिट कितना आ रहा है एट x टेंड्स टू जीरो, ये आ रहा है e की पावर थ्री, और f ऑफ जीरो कितना दे रखा है, e की पावर थ्री, दोनों के दोनों बराबर है और दोनों फाइनाइट भी है। yes. ना? फाइनाइट है, ऑब्वियस बात है, इनफिनिट तो आ नहीं रहा ना। तो बस फंक्शन क्या है, fx is continuous, इसका आंसर कैसे देंगे हम, fx is continuous x equal to zero, मतलब x बराबर zero पे जो फलन है वो क्या है, संतता फलन है। आई बात समझ? Yes sir. क्या रे बेटा सबको, इस इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं अपने को? Yes sir. ठीक है, चलो अब समझ में आ गया, तो अब ये वाला करके बताओ मुझे। चलो अब क्वेश्चन अपन बढ़ाते हैं। fx अपने को दे रखा है, वन माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कब, जब x लेस देन जीरो है, a आ रहा है, ये कब आ रहा है, जब x बराबर जीरो है, रूट एक्स अपॉन रूट के अंदर 16 प्लस रूट एक्स माइनस फोर, ये माइनस फोर रूट के बाहर है, ये कब, जब एक्स लेस देन जीरो है, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू बताना है, कि ए का वैल्यू क्या होगा, दोनों में लेस देन है क्या बेटे, दोनों लेस देन है एक्स जीरो, कौन सा वाला, ये x equal to zero है, ये x less than zero है, अच्छा ऊपर लिख दिया क्या, एक मिनट दोनों सेम कर देगा, सॉरी नीचे वाला x greater than zero, सॉरी x greater than zero, ठीक है। आपको a फाइंड करना है इफ पॉसिबल, अगर आ रहा है तो, नहीं आएगा तो क्या कर सकता है, ठीक है, a फाइंड करना है सो दैट द फंक्शन या द fx is continuous at x बराबर जीरो, मतलब उसने ये बोल रखा है कि x equal to zero पे function continuous है, उसने बोल रखा है, ठीक है, वो अब आपसे पूछ नहीं रहा, वो आपको बता रहा है,
कि x बराबर जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको a का वैल्यू बताना है कि a क्या होगा। ठीक है बेटे, ये जेई एडवांस में आया था क्वेश्चन, हल्के में मत लेना क्वेश्चन को, जेई एडवांस में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर टू? कितना? टू? नहीं, टू तो नहीं है बेटे, ए का वैल्यू। जल्दबाजी नहीं करनी, अच्छा एक बात बताओ, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है तो इसका मतलब हमें क्या पता है? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है तो हमें क्या पता है? कभी भी क्वेश्चन में ऐसा सुनो कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस या जो फलन है वो संतता फलन है, तो आपके दिमाग में ये पिक्चर बन जानी चाहिए कि भाई हमें ये दे रखा है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ ए के बराबर है और ये फाइनाइट भी आ रहा है, ये तीनों बराबर दे रखे हैं, मेनली ये दोनों हमें बराबर दे रखे हैं। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन में आप ये देखो कि फलन जो है वो संतता है या फंक्शन इज कंटिन्यूअस, आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये रिजल्ट अपने को दे रखा है, ये बराबर दे रखा है, निकालना नहीं, बराबर दे रखा है। आई बात समझ? फोर। कितना आ रहा है दिव्यांशु? फोर। फोर? नहीं यार, फोर भी नहीं आंसर। तो अब सोचो बेटे, एडवांस का क्वेश्चन है, आंसर आ गया तो ये समझ लो कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे हमसे। सर टू? टू नहीं है बेटे। सर एट? अरे शाबाश, किसका आंसर आया एट? तो मेरा। अरे वेरी गुड, खुशी, क्या बात है, ये ना बात, गुड, इसका आंसर 8 है। अरे सिंपल सा ही तो है, लिमिट ही तो निकालना था यार। चलो देखो, बता दूं या कर रहे हो? सर हो गया। हो गया, 8 आ रहा है। यस सर। इसका भी 8 आ रहा है बेटे, एकदम सही है। भाई अपने को क्या करना है, लिमिट निकालना है, तो लिमिट के लिए उसने दे रखा है कि अगर 0 माइनस पे जाओगे तो ये आ रहा है, 0 प्लस पे जाओगे ये आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट के लिए आपको ये फंक्शन यूज करना है। तो भाई हम इतना क्यों करें, सब बातें हम इतना क्यों करें, जब हमें पता है कि यार ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस तो तभी हो सकता है ना जब लिमिट और फंक्शन का वैल्यू बराबर हो, तभी होगा, अदरवाइज तो हो नहीं सकता, और उसने तो बोल रखा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, आया ना? Yes, sir. बोल रखा है ना, तो आप दोनों में से किसी एक को कर लो, आप इसको सॉल्व कर लो, आप दिमाग लगाओ ना, आप एक काम करो ना, आप इसको सॉल्व कर लो, अगर उसमें दिक्कत है तो। ठीक है, इसको उठाओ, इसके लिमिट निकाल दो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव पॉजिटिव, 0 प्लस का मतलब ये कि राइट वाली लिमिट निकाल रहा हूं मैं। ठीक है सर, ऊपर वाले में ज्यादा इजी हो रहा है। ऊपर वाले में ज्यादा इजी हो रहा है? यस सर। चलो ऊपर वाला कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे ऊपर वाला कर लेंगे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो ऊपर वाला कर लो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस cos 4x अपॉन x / अपॉन x / बेटा माइक म्यूट कर लो, दो आवाज आ रही है, माइक म्यूट कर लो, आ रही है ना, मुझे मेरी आवाज आ जाएगी फिर। हाँ तो कैसे किया इसको बेटे? 16 से इनटू भी और डिवाइड भी, बस शाबाश भाई। 1 माइनस cos 4x अभी तो पढ़ा था अपने, यहाँ पे 4x है ना, बस अपने को कोई तो करना है, नीचे उसी का स्क्वायर ही बनाना है, x का स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो अब इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/2 into 16 8। बताओ यार, जे एडवांस का क्वेश्चन यही खत्म हो गया, क्या था इस क्वेश्चन में, अब कोई चाहता है कि सर इसकी भी वैल्यू 8 आएगी क्या, तो निकाल के देख सकता है आप, इसमें लिमिट निकाल दो, लिमिट के लिए बस इतना सा कर लेना,
इसको रेशनलाइज कर लो, रूट आ रहा है ना, रूट के लिमिट क्या बताया था, रेशनलाइज, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा होगा, ठीक है, रेशनलाइज कर लेना, रेशनलाइज करोगे आपको सॉल्व होता हुआ दिख जाएगा, यहाँ से भी वैल्यू कितना आ जाएगा, एट, तो भाई ये भी एट, तो ए बराबर एट, आ गया आंसर, आया ना? Yes, sir. बताओ यार, इतने से में क्वेश्चन सॉल्व हो गया जेई एडवांस का, तो एडवांस में ऐसा नहीं है कि बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, अच्छे मतलब सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं जो हमसे हो जाएंगे, आयो समझ बेटे, यस हो जाएंगे ना ऐसे क्वेश्चन, अरे खुद पे विश्वास नहीं क्या, है ना, तो फिर हो जाएंगे ना, क्या यार, एक तो लेटे लेटे पढ़ रहे हो, ऊपर से हाँ ना भी नहीं बोल रहे हो, बैठे हैं, अच्छा बैठे हो, ठीक है फिर, अच्छा तो बैठे बैठ के भी बोलने में क्या दिक्कत है, सब बोल तो रहे हैं, जो नहीं बोल रहे मैडम, आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा डराओ मत, जो नहीं बोल रहे उनको बोल रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लो बेटे इसको जल्दी से, जिसने नहीं किया, सर नीचे वाले मेथड से करें तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा क्या? हाँ नीचे वाले मेथड से करोगे तो रैशनलाइज करना पड़ेगा बेटे, लिमिट निकालोगे ना अगर आप इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो भाई आपको दिख रहा है कि ये रूट x अपॉन रूट के अंदर 16 प्लस रूट x माइनस 4 है ना, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म बनने के तीन मेथड बताए, तो हमने कहा था कि अगर रूट है तो रैशनलाइज करो आप, तो रेशनलाइज कर लेना इसको, रेशनलाइज हो जाएगा, यस सर, 0 प्लस रूट एक्स और ऊपर आ जाएगा रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, तो रूट हटा दो, तो 16 प्लस रूट एक्स माइनस 16, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, x की जगह 0 रखना है, तो रूट के अंदर 16 प्लस रूट एक्स 0 प्लस 4, इसका रूट 4 प्लस 4 बराबर 8 आ गया, yes, sir. ठीक है, तो वहां से भी 8 आ गया, तो यहाँ से भी 8 आ रहा है, यहाँ से भी 8 आ रहा है, LHL RHL बराबर है, और किसके A के बराबर आएगा, तो A बराबर 8 आ गया, ठीक है, क्लियर है बेटा, yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़े, ये नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े बेटे, yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पॉइंट फंक्शन कॉन्टिन्यूटी, चलो पॉइंट फंक्शन कॉन्टिन्यूटी, अब पॉइंट फंक्शन कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है पहले एक बार समझ लो, एक बात बताओ मुझे, अपन कोई भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बताते हैं, ठीक है, फलन को संतत फलन बताते हैं, तो उसके लिए हम क्या बताते हैं कि वो एक पॉइंट पे या फिर एक इंटरवल में जो है कंटिन्यूस है, ठीक है, अब एक बात बताओ, हम एक फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि भाई जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं या डिसकंटिन्यूस है, यहाँ पे तो उसने बोल रखा है पॉइंट, तो एक बात बताओ, मान लो मैंने ग्राफ बनाया और यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया, ये लेट्स से दिस पॉइंट इज 3 और इसका एक वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, लेट्स से वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटे, 4 आ रहा है 3 पे, ठीक है, अब एक बात बताओ कि ये जो पॉइंट है कौन सा वाला, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कंटीन्यूअस हो सकता है क्या, यस सर, हो सकता है कैसे, केवल पॉइंट है ना, आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, कुछ भी नहीं है, केवल पॉइंट है, तो ये कंटिन्यूस हो सकता है, नहीं नहीं हो सकता, यस बेटे,
से हो सकता है, हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है अर्षिता बोलो सर, आपने हेडिंग में तो लिखा है पॉइंट फंक्शन कंटिन्यूटी सर, हो सकता है। अब देखो बेटे, इतनी इंटेलिजेंस, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि सर आपने हेडिंग लगाया है तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हाँ ये कंटिन्यूस हो सकता है, ठीक है। इस पॉइंट की मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक्स की वैल्यू 3 आएगी, मतलब fx मतलब 4 आएगा fx। आप एक बात बताओ बेटे, आप मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि सर इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू 3 आएगी, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो कुछ है ही नहीं, तो 3 कैसे आएगा? कुछ भी नहीं है इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, केवल और केवल एक पॉइंट है 3, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जिस पे वैल्यू 4 आ रहा है, केवल ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, लेफ्ट हैंड भी कुछ नहीं है, राइट हैंड भी कुछ नहीं है। अब जस्ट बिकॉज मैंने हेडिंग डाल रखी है तो इसलिए मत बोलो कि सर फंक्शन जो ये जो पॉइंट है वो कंटिन्यूस होगा, वो होगा ऑब्वियस सी बात है, बट रीजन क्या है, कैसे होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। यहाँ से देख के तो पता लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर टेंस टू जीरो ले चलेंगे, मतलब थोड़ा सा नहीं डिपेंड ऐसे कैसे कर सकते हैं अपन कि बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जीरो कैसे ले लेंगे, ग्राफ में दिख ही नहीं रहा है जीरो कैसे चला जाएगा, वो हो ही नहीं सकता। तीन को इतना शिफ्ट करें कि वो अपने स्पेस से मतलब लगभग नेगलेक्ट से। अच्छा अच्छा वियांशु एक बात बताओ, एक सिंपल सी मैं आपसे बात पूछता हूँ बेटे, ठीक है सर। इस पॉइंट में अगर फंक्शन की जो वैल्यू है, क्या कह रही हो सर, इस पॉइंट में जो फंक्शन है और जिसकी लेफ्ट की वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो, इक्वल हो जाए तो नहीं ऐसे नहीं होगा सर। अगर इस पॉइंट में 3 से थोड़ी सी छोटी और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू तो लगभग 4 के बराबर आएगी। बट बेटा बात वही है ना कि आप अगर आप लगभग बहुत छोटी वैल्यू भी अगर लोगे तो बहुत छोटी वैल्यू है ही नहीं कुछ, केवल और केवल एक पॉइंट है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं वहां पे। तो 3 माइनस और 3 प्लस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो निकालेंगे क्या। अब मैं आप सबसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हम जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा आप जेई के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, जब एग्जाम होगा तो आपका नीट क्लियर हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर? हम तो जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो नीट कैसे देंगे? हम जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो नीट कैसे देंगे? तो अगर कोई सोचेगा, या आप एक बात बताओ, ये चीज सोच भी सकते हो क्या कि हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो और हम नीट क्लियर कर देंगे? हाँ ना, नहीं सोच सकते ना भाई, जो चीज है ही नहीं वो हम सोच कैसे लेंगे? हम नीट हम कर ही नहीं सकते, मतलब ऐसा नहीं कर नहीं सकते, हम तो जेई एस्पिरेंट है ना, जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि जेई के लिए प्रिपेयर करके हम नेट नीट क्लियर कर लेंगे, हाँ ना, नीट का एग्जाम तो हम देंगे ही नहीं ना, बात समझ में आ रही बेटे? तो अगर हम नीट का एग्जाम देंगे ही नहीं, नीट का एग्जाम हम देंगे ही नहीं तो हम बायो क्यों पढ़ेंगे? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आया ना? Yes, है ना भाई, जब हम नीट का एग्जाम देंगे ही नहीं तो हम बायो क्यों पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी तरीके से आप रिलेट करो कि अगर हमसे कोई बोलेगा कि भाई आप जैसे बोल रहे हो कि सर 3 से पहले 3 के बाद जो है आप वैल्यू निकाल लो, ठीक है, वो लगभग 3 आएगी, तो लगभग 3 आएगी कैसे जब वो है ही नहीं? आप नीट कैसे क्लियर कर सकते हो जब आप बायो ली नहीं है आपने? नहीं कर सकते ना, बात समझ में आ रही बेटे? आया ना? Yes, sir. बात समझ में आ रही बेटे? तो जो चीज है ही नहीं तो वो हम कर कैसे सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें पॉइंट की कॉन्टिन्यूटी निकालनी है, ये बताना है कि भाई जो पॉइंट है वो कंटिन्यूस है या नहीं, तो केवल और केवल हम पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट से पहले क्या है पॉइंट के बाद क्या है वो कुछ है ही नहीं, तो हम बात ही क्यों करेंगे? एक चीज अब आप ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना क्या कि अगर हम कभी भी कॉन्टिन्यूटी या कंटिन्यूस फंक्शन की बात करते हैं तो हमेशा हम वही बात करेंगे जहां पे फंक्शन का
डोमेन होगा जहां पे फलन का प्रांत होगा, फलन के प्रांत में ही बात होगी, उसके अलावा कहीं और बात ही नहीं होगी। ये तो बात समझ में आ गई बेटे सबको? यस सर। है ना भाई, हम बात वही करेंगे ना जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट करता है, जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता वहां पे बात भी नहीं होगी। बात समझ में आ गई? अब एक बात बताऊं, जैसे मैंने आपसे बोला कि बेटा आप है ना, ये एक मैंने फंक्शन बनाया, मान लो मैंने ग्राफ बनाया यहाँ पे, ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। मैंने बोला कि ये 4 है और ये 4 है, बस बेसिकली मैंने ये बोला और ये ही दे दिया आपको, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूंगा बेटे इसकी लिमिट निकालो, ठीक है, इसकी लिमिट कैलकुलेट करो, लिमिट x टेंड्स टू 4। अब कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स है, तो लिमिट निकालने के लिए हम क्या हम कैसे निकालते हैं लिमिट? हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, दोनों को बराबर करते हैं, दोनों बराबर आता है, दोनों फाइनाइट आता है, तभी हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, आया ना। अब जैसे ये ग्राफ है, अब इस ग्राफ में मैं आपको बोलूं लिमिट निकालो, तो आप क्या करोगे कि सर राइट हैंड लिमिट निकाल दो, फिर मैं बोलूंगा आप लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकालोगे, निकाल सकते हो क्या? नो सर, नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो लिमिट क्या निकालेंगे। तो इस केस में हम पता है क्या करते हैं, हम इस केस में ये करते हैं कि हम राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे और राइट हैंड लिमिट फंक्शन के बराबर आ गई, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आई? तो हम बात वही करेंगे जहां पे चीजें एग्जिस्ट करती है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वहां बात ही क्यों करना। बात समझ में आई बेटे? क्लियर है, ठीक है। तो अब जैसे मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब जो मेरे पास पॉइंट है फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, हाँ 3, तो जो पॉइंट है वो मेरे पास केवल और केवल f3 है, और तो कुछ है ही नहीं, f3 बराबर 4 और कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं तो मैं कहीं और बात भी नहीं करूंगा। बात समझ में आ गई? अब बस मैं इस पे देखूंगा, 3 पे पॉइंट का वैल्यू, 3 पे जो वैल्यू है 4 आ रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट इज कंटिन्यूअस। बात समझ में आ गई बेटे? है ना, क्यों? क्योंकि इसका अगर मैं डोमेन निकालूंगा तो डोमेन मतलब प्रांत निकालूंगा तो बस 3 ही है, कुछ है ही नहीं, और तो अगर 3 है तो मैं 3 पे ही बात करूंगा और किसी पे बात करूंगा ही नहीं। बात समझ में आ गई बेटे? यस सर। सबको क्लियर है, आया ना? यस सर। ठीक है, तो पॉइंट फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस होता है, ठीक है, ये चीज लिख लेना। पॉइंट फंक्शन आर कंटिन्यूस, लिख देना बेटा ये, ठीक है। डन, सबने नोट कर लिया बेटे? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल ये है कि fx इक्वल टू रूट 1 माइनस x प्लस रूट x माइनस 1, ठीक है, जैसे ये है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि बेटा ये जो एफ एक्स है ये कंटिन्यूस है या नहीं, तो उसको कैसे निकालेंगे? कंटिन्यूस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रांत निकालेंगे, मतलब इसका डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, अपने को पता है ना कि इसका अलग निकालो, इसका अलग निकाल लो, रूट वन माइनस एक्स, डोमेन निकालना याद है या भूल गए? प्रांत निकालना बेटे याद है ना, इसका प्रांत कितना आएगा भाई, रूट आ रहा है, रूट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव हमेशा, ठीक है। तो अगर रूट पॉजिटिव होना चाहिए तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1, आया ना? यस सर, करेक्ट। नेक्स्ट है x माइनस 1, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब x जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, ये प्रांत आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें तो दोनों की बात माननी है भाई, तो दोनों की बात मानने के लिए ऊपर वाला कह रहा है कि 1 होना चाहिए और 1 से पहले सब कुछ, दूसरा वाला कह रहा है कि 1 तो होना चाहिए और 1 के बाद सब कुछ। तो अगर हमें दोनों की बात माननी है तो क्या आ रहा है हमारे पास डोमेन में, प्रांत क्या आ रहा है, 1, केवल 1 आएगा, क्योंकि ये तो बोल रहा है इधर, दूसरा बोल रहा है उधर,
ऐसा थोड़ा ना चलेगा। ये बोल रहा है इधर, दूसरा बोल रहा है इधर, तो थोड़ा चलता है यार। एक की बात एक मानना पड़ेगा ना, आया ना? ठीक है, तो x कितना आ रहा है? वन आ रहा है। तो x बराबर वन, x बराबर वन, तो x, तो x बराबर वन, ये तो एक पॉइंट है, आया ना? x क्या है? पॉइंट है ना एक, x बराबर वन। यस बेटा, क्लियर हो रहा है सबको कि x बराबर वन क्या है? ये तो एक ही पॉइंट आया है ना। तो अब हम अभी पहले क्या पढ़ा कि पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन आर स्पेस, आई बस समझ कि जो पॉइंट, अभी आपको पॉइंट फंक्शन की बात हो रही हो, एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि इसमें पॉइंट की बात हो रही हो, तो आप बस ये बोलना कि पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस। ठीक है? यस सर। क्लियर है? समझ में आ गया बेटे? एग्जांपल भी समझ में आ गया आपको कि ऐसा क्यों हुआ? यस सर। ठीक है, तो जो डोमेन में है उसकी बात करेंगे, जो डोमेन में है ही नहीं तो उसकी बात भी क्यों करना, हटाओ उसको, बोलो जा अपने घर। हो गया, चलो नेक्स्ट है। रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, मतलब डिसकंटिन्यूटी के रीजन क्या क्या है, मतलब अगर कोई फंक्शन या अगर कोई फलन असंतत है, ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, ठीक है, कारण क्या है उसका, मतलब रीजन फॉर डिसकंटिन्यूटी, क्या रीजन हो सकता है कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो। तो सबसे पहले तो एक बार बताओ, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, अगर फलन संतत है, तो उसका रीजन क्या होगा, मतलब कब होता है वो, जब लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x f a के बराबर आ जाए और ये फाइनाइट आ जाए, तभी होता है। यस सर। है ना, तो इसका मतलब इन तीनों में से अगर कोई हमारी बात मानना ना चाहे या नहीं चाहता या नहीं मानी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से कोई हमारी बात मानने के लिए मना कर दे, ठीक है, अपनी बात से मुखर जाए, तब जाके जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, कैसे भाई? एक रीजन तो ये हो सकता है क्या कि लिमिट अगर हमने निकाला, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, वो क्या हो, डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही ना करे, आए ही ना, तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, आया ना? यस सर। भाई एक कारण ये हो सकता है ना कि भाई लिमिट आ ही नहीं रही, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो बराबर क्या आएगा, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं आएगा, तो बस डिसकंटिन्यूअस। ये हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन कि भाई हमने लिमिट निकाला, लिमिट आ गया, चलो बहुत बढ़िया बात है, बट हमने फंक्शन का वैल्यू निकाला और फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, तो भाई लिमिट तो आ गया और फंक्शन का वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है, इनफाइनाइट आ रहा है, नॉट डिफाइंड का मतलब इनफाइनाइट आ रहा है फंक्शन का वैल्यू, तो फंक्शन का वैल्यू अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि बराबर आएगा ही नहीं ना, एफ ए इज इनफाइनाइट, आया ना? बात समझ में आ गई बेटे कि भाई अगर f ऑफ a जो है वो इनफाइनाइट आ गया तो उस केस में डिफाइंड ही नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा तो मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, डिसकंटिन्यूअस। तीसरा कि भाई हमने लिमिट निकाला x टेंड्स टू a पे, लिमिट आ गया, हमने वैल्यू निकाला f ऑफ a, फंक्शन का वैल्यू निकाला उस पॉइंट पे, लिमिट मतलब हमने लिमिट निकाला और यहाँ पे मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकाला, पॉइंट का वैल्यू निकाला, दोनों आ तो गए और दोनों फाइनाइट भी आ रहे हैं, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, दोनों में से कोई भी नॉट डिफाइंड नहीं है, कोई भी इनफाइनाइट नहीं है, दोनों फाइनाइट है, पर ये है कि दोनों का वैल्यू ही अलग अलग आ रहा। बात समझ भाई? भाई लिमिट निकाला, लिमिट 4 आ गया, फंक्शन का वैल्यू निकाला 5 आ गया, तो 4 इक्वल टू 5 कभी हो ही नहीं सकता, तो इक्वल हो नहीं सकता, तो उस केस में भी फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। बात समझ भाई बेटे? यस सर। यस, सबको क्लियर हो गया बेटे?
तीन रीजन है, इन तीनों कारणों की वजह से जो फंक्शन है, जो फलन है, वो असंतत होता है। आया समझ? यस सर। सबको क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो अब आपका टाइम भी हो गया, मेरे ख्याल से 10 मिनट ऊपर होने वाले हैं।